ये बेबी है, बेबी ऑफ अमनदीप. सो 32 वीकर था और इसको कई प्रॉब्लम्स है. एक तो मेन प्रॉब्लम था इसको कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया. इसका मतलब जो एब्डोमिनल कंडेंस है जो थोरासिक कैविटी में, नॉर्मली एब्डोमिनल एब्डोमिन में रहना चाहिए पर इधर ही थोरासिक कैविटी में थे. एब्डोमिनल विजरा और लीवर भी थे. मेरा पीडियाट्रिक सर्जन ने ऑपरेट किया. ये बच्चा जब पैदा हुआ तो ये समय से पहले पैदा हुआ और इसका वजन 1.1 केजी था. इसको डायफ्रामेटिक हर्निया था. डायफ्रामेटिक हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें छाती और पेट के बीच में जो दीवार है वो बनी नहीं होती और इसको राइट साइड का डायफ्रामेटिक हर्निया है जो कि काफ़ी रेयर है. वो 1 लाख अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 2 या 3 बच्चों को ही होता है. तो इसको हमने ऑपरेट किया. हमारी पीडियाट्रिक टीम है, डॉक्टर विजय मिट्टी हमारे डायरेक्टर भी हैं, उनके एबल गाइडेंस में हमने इसको ऑपरेट किया और ये बच्चा आज घर जा रहा है ठीक ठाक और बिल्कुल ठीक है. ये बच्चा एक फीमेल चाइल्ड है और हम इस बात से भी खुश हैं कि इसके पेरेंट्स ने इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हुए भी इसका इलाज करवाया. और पुराने ज़माने में ऐसे नहीं होता था लेकिन आज हमारे समाज में ये बदलाव आया और हम इसलिए भी खुश हैं कि फीमेल चाइल्ड इतनी बड़ी बीमारी से ठीक हो गया है. मेरा नाम मनप्रीत है और ये मेरी वाइफ अमनदीप. तो हमारा बेबी हुआ है तो हम यहाँ CMC हॉस्पिटल आए थे 4 अगस्त को. उसी दिन मदर की डिलीवरी हो गई थी और हमें एक गर्ल चाइल्ड मिली थी. और फिर गर्ल चाइल्ड होने के बाद फिर जब उसे नर्सरी में लेके गए तो उसके बाद डॉक्टर्स ने एक्सरे किया, अल्ट्रासाउंड किया, तो उसके बाद पता चला कि उसे डायफ्रामेटिक हर्निया है जिसकी वजह से उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसके लंग्स में आ रही है. और फिर उसके बाद डॉक्टर विशाल माइकल जी ने से बात हुई, वो सर्जन है, तो फिर उन्होंने बताया कि सर्जरी करनी पड़ेगी. तो फिर बच्चे की सर्जरी की, 1 वीक के बाद बच्चे की सर्जरी हुई और बच्चा ठीक, पहले यानी डायफ्रामेटिक हर्निया से ठीक हो गया था. उसके बाद बच्चे को निमोनिया हो गया और फिर ब्लड इन्फेक्शन हो गया. उसके बाद आइज में प्रॉब्लम आ गई थी. तो फिर डॉक्टर, नर्सरी के डॉक्टर्स ने, डॉक्टर PB वर्गीस सर ने और डॉक्टर वत्सल सर, अमूल्या मैम और निधि मैम ने, इन सब ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया बच्चे का, बहुत केयर की पूरे स्टाफ ने, नर्सेज ने. और क्या कहते हैं, फिर बच्चा हमारा पहले से ठीक है और आज 51 डेज के बाद हमें डिस्चार्ज, बेबी को डिस्चार्ज कर दिया गया है. और डॉक्टर्स ने बहुत सपोर्ट करी, डॉक्टर विशाल माइकल ने और डॉक्टर वरुणी से सर ने स्पेशली बहुत सपोर्ट की, मनी वाइज भी सपोर्ट की और हर तरह से सपोर्ट की और हमें हिम्मत दी कि हाँ हम कर सकते हैं हमारे बच्चे को ठीक करने के लिए. और फिर आज बेबी एकदम ठीक हो गया और आज डिस्चार्ज हो गया. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और बच्चे की इतनी केयर की. थैंक यू सो मच.